ये तो कमाल है। मैंने कहा था ना तू जल्दी सीख जाएगा दोस्त। जो चेक, फाइटर चेक, रास्ता चेक, शॉ ओ, ऊंचाई पर तकलीफ वाली वार्निंग, शेक और शॉ के लिए। क्या पता चला है प्रोफेसर? जितना सोचा था उससे भी बुरी खबर है कोच, जरा इस पर नजर डालिए। अच्छा, तो इसका मतलब है छुट्टियां खत्म हो गईं। हमें बहुत काम करना है। ब्रेक खत्म। मैं तुम सबसे कल स्ट्राइका लैंड में मिलूंगा कोच। अब बस भी करो दोस्तों, हमें जाना है। आखिर में पहुंच गया, मेरा दिल धड़क रहा है। 50,000 फैंस का शोर है, सांसें तेज हो रही हैं और मैच शुरू होता है। मैं आया हूँ यहाँ पे लेके हौसलों की तार, लगा दूँ मैं अपनी जान, फिर है जीत मेरी यार। हर बच्चों तुम देखो मैच का अंबुज में देखे भाई, जहाँ 1, 2, 3 मैं हूँ सुपर स्ट्राइकर, स्ट्राइकर। हमें इनमें क्यों बंद किया है? तुम अभी एल्टीट्यूड सिमुलेशन डोम्स में हो, इससे हमें ये पता चलेगा कि तुम अलग अलग ऊंचाई पर कैसे एडजस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि हमारे अगले ओपोनेंट्स हैं आयरन टैंक, वो भी उनके होम ग्राउंड पर। वो फोर्ट्रेस स्टेडियम में अब तक नहीं हारे हैं। अब तक नहीं हारे? उन्हें ऊंचे लेवल पर खेलने की आदत है। पर मुझे तो लगा था कि पूरा सुपर लीग ही ऊंचे लेवल का है। नहीं नहीं, देखो इस ग्राफ से तुम सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है प्रोफेसर, अब मेरी समझ में आ गया। हाँ, फोर्ट्रेस स्टेडियम दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम है, स्ट्राइकर लैंड से भी ऊंचा। सही कहा। हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने दौड़ने से पहले 10 बर्गर्स खाए थे। यार, मैं तो हमेशा ही दौड़ना शुरू करने से पहले 10 बर्गर खाता हूँ, पर कभी इतनी थकान महसूस नहीं की। हर कोई ऊंचाई पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जब हम ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं तो वहाँ हवा में ऑक्सीजन कम होती है और हमारे शरीर को चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर हमें ऊंचाई की आदत नहीं होती तो हमारा शरीर अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। क्यों, क्या होता है? उल्टी आती है, चक्कर आ सकते हैं, धुंधला दिखाई दे सकता है या कोऑर्डिनेशन भी छूट सकता है। ऐसा तो मेरे साथ तब होता है जब मैं किसी खूबसूरत लड़की को देखता हूँ। इसीलिए तुम सबको उस ऊंचाई पर खेलने के लिए तैयारी करनी होगी। आज तक कोई टीम आयरन टैंक को उनके होम ग्राउंड पर नहीं हरा पाई। मैच के आखिरी 15 मिनट बहुत ही ज्यादा मुश्किल होंगे तुम सभी के लिए। फिर से डोम में जाऊं? तुम्हें लिख कर दूं? क्या मुझे स्टैंडर्ड ईज होने की इजाजत है सर? नहीं, हमेशा तैयार रहना जरूरी होता है। हमें सुपर स्ट्राइकर्स के खेलने का तरीका समझना चाहिए, हमें उनकी जैसी मशीन बनवानी चाहिए, वैसी जैसी हमने फुटबॉल 360 शो में देखी थी। एडवांटेज हमारे पास है, याद रखो
हम इस ऊंचाई पर रहते हैं। अगर हम अपना ये कड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम जारी रखेंगे तो वो हम आयरन टैंक वालों के आगे कभी भी टिक नहीं पाएंगे। सर, ये सर। सुपर स्ट्राइकर्स भी बाकी सब की तरह आखिरी 15 मिनट में चूर चूर हो जाएंगे। मेरा शक सही निकला कोच। शॉ और शेख अभी भी उस ऊंचाई पर खेलने के लिए तैयार नहीं है। अगर इन दोनों को ठीक से कंडीशन नहीं किया गया तो आयरन टैंक को सारे गोल्स करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे ख्याल से हमने जो प्लान किया है उससे बात बन जाएगी। कोच जरूर कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। वो मैं बताता हूँ, मुझे जाना है दूसरी मशीन में। वेरी गुड शेख, तुम दोनों तैयार होकर सीधे रवाना हो जाओ स्ट्राइका जेट की ओर। और सुपर स्ट्राइकर्स के खिलाफ आपको किस बात का ध्यान रखना होगा कुछ वॉन पुशअप? खुशकिस्मती से हमारे पास कुदरत का साथ है और मुझे नहीं लगता वो आयरन टैंक के आगे टिक पाएंगे, वो भी इतनी ऊंचाई पर, क्योंकि हम उन्हें भेजेंगे नीचे। ये कभी यहाँ हारे नहीं, इनके ओपोनेंट्स आखिरी 15 मिनट में स्कोर नहीं कर पाते। सुपा, जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस काम कर रहा है ना? बहुत अच्छी तरह से। मुझे समझ में नहीं आ रहा इन सब की क्या जरूरत है। सब समझ में आ जाएगा यार। कोच ने तो हमारा ट्रैवल बजट कम कर दिया। हमारा होटल एक टेंट है। वक्त हो गया, चलो अब इन्हें पहन लो। पैराशूट्स। अच्छा मजाक है कैप्टन। तू चाहे तो इनके बिना भी कूद सकता है, पर मैंने सुना है कि उससे लैंडिंग में प्रॉब्लम होती है। कोई एयरपोर्ट भी नहीं है, यकीन नहीं होता आखिर कोच इतनी कंजूसी कैसे कर सकते हैं। अगर तू नहीं कूदना चाहता तो मत कूद। सच में? तीन गिनते ही पैराशूट्स खोलना। 1, 2, 3। सुपर स्ट्राइकर्स। क्या खबर है? वो अभी अभी सही सलामत लैंड हुए हैं। तो ये था उनका प्लान, हमें ऐसी अनजान जगह में डाल देना। हम अपने मीटिंग पॉइंट से 1 दिन की दूरी पर हैं। हमें वहाँ ऊपर तक पहुँचना है, वो भी कल तक। यार ये तो नामुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है, हमारे पास रास्ता दिखाने के लिए कोच की एक मशीन भी है। चलो शुरू करते हैं। सर, हमें खबर मिली है कि वो स्ट्राइकर्स यूरोप में कहीं पहाड़ियों पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। सच में? उबर को फौरन बुलाओ, जाकर उससे कहो सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ गई है। रुक जा, बस एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। सच में यार, यहाँ की सारी हवा कहाँ चली गई? मुझे भी नहीं मिल रही दोस्त। कोई बात नहीं दोस्तों, कुछ लोगों को एडजस्ट करने में वक्त लगता है। इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते? शांत हो जा यार, क्यों ना हम रात के लिए यहीं कैंप लगा दें? तुमने पहली बार काम की बात की है। सुबह होते ही हम उस शिखर तक पहुंच जाएंगे और वहां से नीचे वाली लैंडिंग स्ट्रिप पर सुपर स्ट्राइकर्स से मिलेंगे। ऊपर जाने में यही एक प्रॉब्लम है, वापस नीचे भी आना होता है। अगर तुझे सुपर लीग को जीतना है दोस्त, तो अपनी सोच को बदल। आराम से सो सुपर स्ट्राइकर्स। गर्मा गर्म पिज्जा, ठंडा ठंडा मिल्कशेक, प्लीज यार जल्दी दे, बहुत भूख लगी है। खुद से अब ये भूख सही नहीं जा रही, जल्दी ले आओ यार वरना मेरी टिकट कट जाएगी। बाद में मिलेंगे।
या शायद कभी नहीं। कोच, उनका सिग्नल चला गया। वो कल रात तो यहीं पर था, ऐसे कैसे गायब हो गया? दोस्तों, पैर और स्की के निशान देखो। जरूर किसी की चाल है, कोई है जो नहीं चाहता कि हम मैच तक पहुंचे। हम रुकेंगे नहीं, बढ़ते रहेंगे। हम आगे बढ़ते रहेंगे कैप्टन। वो कहाँ होंगे? मैच शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मुझे पूरा यकीन है कि वो बस कुछ ही देर में आ जाएंगे प्रोफेसर। और अगर नहीं आए तो? इसीलिए तो हमारे पास ये है। बस पहुंच ही गए दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। अगर तू ऐसा ही चाहता है तो इसे यहीं खत्म कर दे शेख, और इतना जान ले कि अब पीछे मुड़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। मैं तो दुनिया का राजा राजा हूँ। अब स्ट्राइका जेट को ढूंढा जाए इससे पहले कि उसे जाना पड़े। हमें एक साइन चाहिए कैप्टन। तूने ये किया कैसे? तुझे लगता है कोच ने किया? मेरे ख्याल से तो सही है दोस्त। अब हमें वहां फौरन पहुंचना होगा। कोई आइडिया है? उड़ चलो दोस्तों। ये पुराने पेड़ के तख्ते कमाल के स्नोबोर्ड्स हैं यार। मजा आ रहा है। और तेज, हमें एक प्लेन को पकड़ना है। अगर वो जल्द ही यहाँ नहीं पहुँचे तो हमें उनके बगैर ही जाना होगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं कड़कती ठंड का सामना करके खुद अपने दोस्तों को बचाऊंगा। गुड लक मेरे दोस्तों, मैंने कोशिश की। मैं तुम्हारे लिए कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा मेरे दोस्तों। वो क्या है? क्या? मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और अब वो मिल गए। इस प्लेन को रोको। क्या हमें फिक्र करनी चाहिए? यहाँ आने वाली हर टीम के लिए आखिरी 15 मिनट हमेशा मुश्किल होते हैं। कुछ करना होगा। वो भी जल्दी। मैच का दिन आ गया है और सब पूरे जोश में हैं। पूरे जोश में। क्या सुपर स्ट्राइकर्स आयरन टैंक को यहाँ पर हरा पाएंगे? वो तो तब होगा मैच जब वो आखिरी 15 मिनट में टिक जाएं। मानना पड़ेगा यार, ये जगह तो मेरे लिए भी ज्यादा कूल है। ये तो कुछ भी नहीं, ऊपर पहाड़ियों में रहने के मुकाबले ये तो एक बीच पर दिन गुजारने जैसा है। शेख, शो और रास्ता,
पर मैंने तो जीपीएस और ये मैच शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स अच्छे फॉर्म में हैं। आयरन टैंक को बड़ा मुकाबला दे रहे हैं। होशियार सुपर स्ट्राइकर्स, काफी तैयारी करके आए हो। ऊपर ये किस तरह का फुटबॉल है? ओए, मुझे भी बॉल लेने का मौका दोगे या नहीं? और इसी के साथ पहला हाफ खत्म हुआ। दोनों टीम्स कोई गोल नहीं कर पाई हैं। वैसे मैट, मुझे नहीं लगता कि होम टीम इस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ जीत पाएगी। तुम सब ने सुपर स्ट्राइकर्स को थकाने का काम अच्छी तरह किया है। वो तो सेकंड हाफ में टिकी नहीं पाएंगे। शेख शॉ और कैप्टन रास्ता ने स्टार्टिंग लाइनअप में रहकर बेवकूफी की है। वो आखिरी 15 मिनट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और मैच एक बार फिर शुरू। आयरन टैंक अब अपना प्रेशर बढ़ा रहे हैं। सही कहा मैच, आखिरकार खेल में कुछ दिलचस्प हो रहा है। क्या शो से रोक सकेगा? एक बार नहीं, गोल! आयरन टैंक ने अपना खाता खोल लिया। वो एक गोल से आगे है। सुपर स्ट्राइकर्स कैसे स्कोर कर पाएंगे अगर उनका लीड स्ट्राइकर अभी से इतना थका हुआ है? मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकता हूँ कैप्टन। तू इतनी दूर आ गया है शेख, क्या वाकई पीछे हटना चाहता है? सुपर स्ट्राइकर्स में फिर से जोश आ रहा है। वो बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हैं, लगता है ये स्कोर करेंगे। गोल! सुपर स्ट्राइकर्स ने किसी तरह आखिरी 15 मिनट वाला श्राप तोड़ दिया है। पर क्या वो आखिर तक खेल पाएंगे, विनिंग गोल बना पाएंगे या फिर से आयरन टैंक ही जीतेगा? ऊंचाई का सामना करने के कई तरीके होते हैं। हाँ, हमने पहाड़ी पर ये बात समझ ली थी। जरूरी होता है कि आप अपनी एनर्जी बचाएं। जहाँ जरूरत हो बस वहीं पर एनर्जी खर्च करें। और चलो भी, हम अब भी इन उल्लुओं को हरा सकते हैं, पर तभी जब तुम दोनों हमारा साथ दो। तो यस, सांस ले। वो बहुत ही चालाकी से खेल रहा है। हमने शायद जल्दी कह दिया। थक गया। बस एक वजह ढूंढो शेख। पैरों के निशान। तो वो तुम थे। तुमने हमारा नेविगेशन डिवाइस चुराया था। जाहिर है वो काफी नहीं था। मेरे लिए काफी था बच्चू। शेख बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ। आयरन टैंक के खिलाड़ी कुछ नहीं कर पा रहे। शेख का शानदार काफी अच्छी तरह। कुछ सेकंड्स बाकी। की बेहतरीन किक। क्या मैंने स्कोर किया? शेख, तूने कमाल कर दिया। तो जरा रिप्ले देख। वाह, क्या एपिक थी। पहली बार आयरन टैंक
को यहाँ इनके होम ग्राउंड पर मात मिली है। रिकॉर्ड बुक में इसका जिक्र होना ही चाहिए। अब समझा, आपने जो किया सही किया कोच। शेख हमने कर दिखाया ये। तुम सब 1,00,000 पुशअप्स करोगे। शेख तुम हमें हमारे ही होम ग्राउंड पर नहीं हरा सकते। हमने हरा दिया बच्चों। ये गलत बात है। तुम्हें कितना बचपना है। जेल करो यार। इसे कहते हैं चिल करना।